देखिए दोस्तों, ये आजकल मार्केट में जो लाली मिर्ची मिल रही है, जो हरी वाली लाल हो जाती है, मैं 2 किलो लेके आई हूँ और मुझे बहुत सस्ती मिल गई हैं। ये 25 रुपए किलो मिल गई हैं मुझे, और ये लाल वाली आपको 25 रुपए किलो में मिल जाएंगी। और बाहर की आवाज़ थोड़ा इग्नोर करना दोस्तों, क्योंकि मैं बाहर वाले रूम में, तो यहाँ बच्चों ने तैयार किया था, ऐसे ही बैठी थी। तो ये मेरा 8-10 साल पुराना गाउन निकाला तो वो ट्राई किया, तो लेकिन मुझे फिट आया। वो मुझे लग रहा था कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे एकदम फिट आया, कहीं से लूज नहीं करना पड़ा। तो बच्चों ने ही रेडी किया है, तो देखिएगा, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये मेरा बार का पहना हुआ रखा था, तो देखिएगा एकदम वैसा ही निकला है, और साइज भी मेरा मेरे को लगा के देखिएगा यहाँ से। और ऐसे ही तैयार, मुझे सब्जी बनानी थी क्योंकि लेट होना हो रहे थे और लाइट नहीं थी। तो यहाँ जो किचन में लाइट है इन्वर्टर की, तो इससे मिक्सी चलती नहीं है, तो यहाँ मैंने पीस लिया है ये पालक वगैरह। तो यहाँ मैं सब्जी छोंक रही हूँ, उधर ही बाजरा की रोटी कर रही हूँ। ड्रेस उतार दी है मैंने और रेडी वैसे ही होके बाजरा की रोटी, और ये मैं पालक मेथी की सब्जी बना रही हूँ। तो तवा उतार के मैं इस तरीके से डाल देती हूँ बाजरा की रोटी, और उसी तरीके से ही मैं तैयार थी। तो यहाँ छोंक दी है मैंने ये पालक की सब्जी, पालक मेथी, तो देखिएगा। और ये सुबह की क्लिप है, तो यहाँ इसको मैं कट कर रही हूँ। इसको कद्दू भी बोलते हैं, इसको जुकनी भी बोलते हैं, तो देखिएगा मैं इसको कट कर लूँगी और इसकी बनेगी सब्जी। हमारे यहाँ सब्जी बना लूँगी मैं, और ये काट के रखे दे रही हूँ अभी मैं। सुबह के बज रहे हैं 6:30 करीब, लाइट जल रही है कमरे में, इसलिए आपको लग रहा है, तो मैं यहाँ कट कर ले रही हूँ। उसके बाद सीधा मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। यहाँ बना रहे हैं हम सभी मोमोज, और आज मन किया था तो मोमोज बना रहे हैं। तो ये आटे के मोमोज बना लेंगे, और कई तरीके के, कई डिजाइन में हमने भर लिए थे ये, कई डिजाइनें बनाई थी हमने ये मोमोज की। ये बिटिया बेल रही है और मैं भर लूँगी कई डिजाइनों में, तो देखिएगा यहाँ। और ये हम बना रहे हैं सोयाबीन के मोमोज और पत्ता गोभी, जो वेज मोमोज होते हैं वो। तो मैं ये 3 तरह के मोमोज बना लूँगी मैं, देखिएगा। यहाँ हमने कर ली है मोमोज बनाने की तैयारी, और ये हम भर लेंगे फिर साथ में ही। वहाँ स्टीम भी हो रहे हैं, तो देखिएगा। और ये वाले इतनी जल्दी बन जाते हैं तिकोने। तो ये है शाम की वीडियो, तो ये मैं रख रही हूँ हस्बैंड के लिए। कुछ उन्होंने ब्लड दिया है तो कमज़ोरी सी आ रही है, तो कुछ ड्रिंक के लिए मैं बना कर रखी दे रही हूँ ये। तो ये चना ले लिए हैं मैंने, और इनके छिलके सारे उतार दूंगी मैं, एकदम छिलके उतार दूंगी। और इस तरीके से आप करोगे तो छिलके सारे उतर जाएंगे, देखिएगा। तो मैं सांप भी आते हैं, पर वो एकदम पता नहीं वहीं से उतरे हुए आते हैं, तो इन पे छिलका होता है तो पता रहता है, तो देखिएगा। तो इसमें इस तरीके से मैं निकाले दे रही हूँ, और इसी तरीके से आप भी निकाल दें, और ये छिलका ऐसे करके, और रगड़ से ही ये साफ हो जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ ले लिया है मैंने काजू बादाम, तो वो भी डाल दूंगी। चने साफ हो गए हैं एकदम, और मैं महीन पाउडर, एकदम महीन पाउडर बना लूँगी इसका, और देखिएगा। फिर मैंने बनाए थे आलू मेथी पूड़ी, क्योंकि हस्बैंड जा रहे हैं तो उनको पैक करना है, तो मैंने आलू मेथी की सब्जी, और यहाँ ये सब्जी पैक कर दी है मैंने, एक सब्जी ये पैक कर दी है, और यहाँ आलू मेथी बना कर रख दिया है पूड़ी सेक के। तो चले गए हैं, तो शाम बच्चों को देना है खाना, तो खाना बना रही हूँ ये, तो रोटी भी सेक रही हूँ, रोटी भी सेक लूँगी क्योंकि, और पूड़ी भी सेक। मार्च का महीना चल रहा है, तो देखिएगा अभी मेथी जाने वाले हैं, तो पूरे साल के लिए हम मेथी जो मिलती तो पूरे पूरे साल भर है, लेकिन वैसा टेस्ट नहीं आता है जैसा अभी आता है। तो यहाँ मेथी ले ली है मैंने, तो
और ये कट कर ली है कुछ, और इस तरीके से ही मैं बिन के कट करी ले रही हूँ। और ये सर्दियाँ जाने वाली हैं तो मैं पूरे साल के लिए कर लूँगी इसको सही से। तो यहाँ मैं बिन नहीं हूँ और साथ में ही काट रही हूँ, और महीन ना काटे क्योंकि सूखने के बाद में और ये चूरा बन जाती है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही रखें तो ये चूरा नहीं बनेगी और सूख भी जाएगी अच्छे से। देखिएगा तो मैं इस तरीके से इसको साफ भी कर रही हूँ और साफ करते ही काटती जा रही हूँ। तो इसको कट कर लूँगी, और ये अभी थोड़ी है, कुछ दिन बाद और ये मैं और सुखाऊँगी। तो इसको देखिएगा तो सुखा ले रही हूँ, और देखिएगा एक दिन की धूप में ऐसी हो गई है। साथ में ही मिर्चा भी पड़ी है, ये वो मैंने डाटल हटाए थे वो भी मैं सुखा लूँगी, और ये धनिया थोड़े से वो हो रहे थे तो मैं इसको भी सुखा लूँगी क्योंकि धनिया पाउडर बना कर रख लेंगे तो उसकी खुशबू बनी रहेगी। तो देखिएगा मैं पूरी साल के लिए स्टोर करके रख लूँगी ये चीज़ें, और अब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। डेली तो पड़ता नहीं है ये सब्जी, डेली तो बनती नहीं है, पूरी साल के लिए स्टोर हो जाएगा। और अभी अच्छी धूप भी निकल रही है तो हम इस तरीके से कट करके इस तरीके से हम इनको सुखा लेंगे। तो देखिएगा मैं इनको सूखने डाल दूँगी, और ये धनिया रख लिए हैं कट करके मैंने, और इनको धूप में सुखाऊंगी, छाँव में सुखाऊंगी। देखिएगा तो ये इस तरीके से मैं पूरी साल के लिए सब्जी स्टोर करके रख लेती हूँ। देखिए चलती पूरी साल यूज होती रहती हैं। तो देखिएगा ये सूख चुकी है, और देखिएगा ये टूटने लगी है 3 से 4 दिन की धूप में, ये अच्छी तरीके से सूख गई है। और इसको मैं अब भर के रख लूँगी, और इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो देखिएगा मैं इसको, और जो लकड़ी है थोड़ी सी मोटी मोटी वो हटा दे, और इसको हम अब डब्बे में भर के रख देंगे जिसमें ईयर पास ना हो। देखिएगा तो मैं ये धनिया भी सूख गया है इसको भी भर के रख दूँगी। इधर मेथी हो गई है, इधर धनिया सूख गया है, तो इसको भी मैं भर के रख के दे रही हूँ। देखिएगा और थोड़ा सा धनिया कम है, थोड़ा धनिया और ला के और सुखाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे पाउडर बना के रखना है धनिए का, तो खैर पाउडर बना के रखना है। और मिर्ची सूख गई हैं, और इनके उठाऊँगी मैं डंठल। और ये मुझे 25 रुपये किलो मिर्ची मिली थी, 2 किलो लाई थी, और करीब ये 1.5 किलो मिर्ची हैं, और सूखी वाली वही 200-250 रुपये किलो मिलती हैं, और मैंने घर पे सुखा ली हैं तो मुझे 50 रुपये में ही पड़ गई हैं, और अच्छी मिर्ची पड़ गई हैं ये। और जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो और सुखा लूँगी इनको, और थोड़ी सी और मार्केट से ला कर सुखा लूँ, पूरी साल के लिए मैं फ्री हो जाऊँगी। तो देखिए इस तरीके से मैं कर लेती हूँ अपने घर में तैयारी पहले साल भर के लिए ही। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करो, जो भैया दीदी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों जय माता दी।